विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बदायूं जिले में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मायके वालों ने दहेज की खातिर हत्या करने का ससुराली जनों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर जांच में जुटी है। मामला तहसील बिलसी के अंबियापुर का बताया जाता है। बिलसी थाना क्षेत्र के गांव अंबियापुर में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के परिजन गिरीश ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके ससुराल वाले लगातार दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते रहे। गिरीश ने बताया कि उसके पास उसकी भतीजी पूजा का फोन आया कि उसका पति गौरव एवं ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट कर रहे हैं और उसे मार डालेंगे। यह सूचना मिलते ही गिरीश अंबियापुर पहुंचे, जहां पूजा की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी बिलसी पुलिस को दी तो मौके पर एसएसआई अमरपाल सिंह मैं फोर्स के साथ पहुंचे। साथ ही बिलसी उप जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ससुराल वाले घर से फरार हो गए। मृतका विवाहिता के परिजन गिरीश ने बताया कि वजीरगंज के बड़ा बाजार निवासी दिनेश शर्मा ने अपनी पुत्री पूजा का विवाह बिलसी थाना क्षेत्र के गांव अंबियापुर निवासी बालिस्टर के पुत्र गौरव के साथ बीते 3 वर्ष पूर्व किया था। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था, जिससे ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और उसे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। साथ ही उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। ससुराल वालों ने प्रताड़ना की हद पार कर दी और उसे मार पीट कर फांसी के फंदे पर लटकाकर मार डाला। मृतक विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या है पूरा मामला बताओ। मेरे पास मेरी बेटी ये जो खत्म हो गई है, उस टाइम मेरे पास कॉल आया था सुबह, मेरे पास कॉल आया था मारने का, मतलब मार पीट रहे थे ये लोग। तो मैंने उससे कह दिया था कि भाई छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो जब थोड़ी देर बाद मेरे पास फ़ोन आया, मतलब घंटे 4 घंटे के बाद, तो बोल रहे थे तुम्हारी भतीजी ख़त्म हो गई है। अब मैंने यहाँ पर आके देखा तो उसकी लाश है, उसे मार दिया गया। अभी भी वो लटकी हुई थी, अभी उतारा है, जस्ट अभी उतारा उसे, तो उन्होंने बिल्कुल उसे ख़त्म कर दिया। पहले भी उन्होंने, उसका छोटा सा बच्चा था, उनकी बहन है, दहेज की मांग करते थे। उनकी बहन है वो, मतलब पुलिस में है, तो दहेज की मांग भी करते थे और उसे मारने की धमकी भी देते थे। ये कहते थे हम तुझे मार भी देंगे तब भी हमारा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग बहुत ही बेकार आदमी इंसान निकले, इन्होंने हमारी भतीजी को मार दिया। शरीर पे चोट निशान है, शरीर पे चोट के भी निशान है उसके, और उस मतलब दरवाज़ा बंद होता, उसने खुदकुशी की होती है, उसे तो मार दिया, दरवाज़ा खुला हुआ है और उसके चोटों के निशान भी हैं। मेरे पास अभी समथिंग 2 घंटे पहले फ़ोन आया था, 2 घंटे पहले फ़ोन आया, तो अभी मैं 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पर आए हुए। तो अभी पुलिस वाले भी सभी लोग आए हैं, तो उन्होंने उतारा है नीचे। शादी को हो गए 3 साल हो गए करीब, एक उसका बच्चा भी है, छोटा सा बच्चा है। किस चीज़ से फांसी लगी? साड़ी में लटकी हुई थी, साड़ी में लटकी हुई थी, साड़ी में लटका दिया था उसे। साड़ी मेरे को तो यही लगता है उसे पहले पीटा था। वो कह भी रही थी कि बार बार कि चाचा आ जाओ, मेरे पास फोन आया था, तो मैं तो वक्त पे पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब वो तो सब फरार हो गए अपने घर से, तंग आए मार मूर के फरार हो गए सब। यहाँ घर खुला पड़ा है और कोई यहाँ पर है नहीं, पुलिस को सोचना दे दिया हमने, पुलिस भी आ गई है। कौन? एक तो लड़के के बाप हैं, लड़के की माँ है, और लड़के की बहन है, लड़के का भाई है। लड़की की बहन पुलिस में है, वो बार बार यही धमकी दिया कि तेरे चाचा तेरे बाप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम तेरे को मार देंगे उससे। और तो और उसकी बहन के बच्चे भी नहीं हो रहे थे, तो उसने वो लड़का छीनने की पहले कोशिश की थी, पर हमें पहले भी आना पड़ा था। हमने सोचा ऐसे ही निपट जाए मसला, पर उसको मार ही डाला है।